everyone, welcome to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप? आज है सैटरडे, तो वीकेंड है. वीकेंड पे अब बैक टू स्कूल शॉपिंग करनी है, चीजें पूरी करनी है बच्चों की. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर लंच. मिडल ईस्टर्न, अच्छा तो रेस्टोरेंट है, वहां जा रहे हैं, वहां का खाना ट्राई करते हैं कैसा है. आप लोग भी चले हमारे साथ. घर के हालात ऐसे ही हैं क्योंकि मम्मी ने सारा फोकस अपने आप पे रखा हुआ है. And my famous YouTuber is here. Yeah. How are you, Emma? I'm good. So, चले फिर खाना try करते हैं और enjoy करते हैं. मैं आपको अपना look दिखा देती हूँ. अब इसमें तो नजर नहीं आएगा, but videos बना देती हूँ. This is how I am looking. चले फिर खाना खाते हैं और enjoy करते हैं. फिलाफल प्लेस, सो लेट्स गो एंड चेक आउट क्या है, मिलता क्या है, इनके पास है क्या. शवरमाज हैं. होपफुली आई विल गो फॉर शवरमाज. ये मैंने अपने पाम ट्रीज बहुत मिस करती थी. पाइन ट्रीज भी मुझे पसंद हैं और पाम ट्रीज भी पसंद है. आई लव. ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ टेक अवे प्लेस. सो Yeah, it's a like a takeaway place. It's better कि आप घर ले जाएं. हम तो अब बैठ के खा रहे हैं क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है. इसके बाद हमें जाना है वॉलमार्ट. मे बी हम बच्चों को ड्रॉप कर दें, आप लोगों को घर ड्रॉप कर दें. आप लोगों ने हमारे साथ वॉलमार्ट चलना है, घर ड्रॉप कर दें. यूनिफॉर्म तो जाना है, लेकिन उससे पहले मैं कह रही हूँ तो बस फिर खाना आते थे. सो ये एपेटाइजर्स आ गए हैं. फलाफल है, ये किसके बने हुए हैं? आई थिंक चनों के होते हैं. अच्छा है, पर ये बड़ा फ्रेश है. ये देखो, हम खाते हैं ना, इट्स नॉट एज फ्रेश. इट्स गुड. मैं कोई फलाफल की इतनी बड़ी फैन नहीं. मुझे ही मत बनाओ, मेरी मत बनाओ. फिलहाल कैसा टेस्ट कर? किसकी बनाती? व्लॉगर की सिस्टर है ये, अगर नहीं है. नहीं, मैंने कहा व्लॉगर. व्लॉगर फेमस यूट्यूबर की बराबर और किसी की ना बराबर. फेमस यूट्यूबर क्या खा रही है? नहीं खा रही है. हाँ, उर्दू. फिलहाल आयमा से अगर मैं सिर्फ उर्दू में बात करूँ ना, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है फेमस हो जाए. आयमा, आप क्या कर रही हैं? आप क्या खा रही हैं? स्प्राइट पी रही है. और क्या कर रही है? नथिंग कर रही है. नथिंग कर रही है. मेरा शवरमा आ चुका है और इसको ट्राई करते हैं. डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट. एक्चुअली यहाँ हम एडमिंटन से खा के आए, हमारा तो दिमाग ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा. वहाँ पे जो अरबी कुजीन है, दैट इज यू नो सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आपने वो देखा होगा जिसपे हम गए थे एडमिंटन में, वो जो एक सीरियन ही शॉप थी. बाय द वे, ये भी एक अल्फिनो. हाँ, जमीन आसमान. अच्छा, वो भी छोटा था, वहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, बट जो फ्लेवर था सीरिया का, ओह माय गॉडनेस. हमें एक वो टर्कोइज था, सो टर्कोइज भी था वो. दैट वाज टर्किश. हां बिल्कुल, वो जरा हाई एंड था, बट इट वाज आल्सो वेरी गुड. टर्कोइज भी अच्छा था, बट अल्फिनो में तो मुझे आज एक ब्रदर, हमारा एक दोस्त था, वो बता रहा था कि भाई आपको यहाँ पे कैसा लगा, कनाडा से आप आए और ये सारा. मैंने कहा यार सब कुछ ठीक है, ये बस बाहर जो खान का मसला है ना. मैं कह रहा था जो खान का मसला है ना, वो अरबी था. उसने कहा यार आई आल्सो अंडरस्टैंड, यू नो इट्स हार्ड टू गेट एडजस्टेड, इट्स नॉट एज बिग एज यू नो द अदर सिटीज इन द यूएस. आप उधर गए? आप उधर डेलिस गए हैं? आप ह्यूस्टन गए हैं? मैंने उधर भी चले ही जाएंगे, लेकिन हम शिकागो गए, हम न्यूयॉर्क गए. आई मीन वी हैव टेस्टेड फूड देयर. इट इज नॉट लाइक दैट वी हैवंट सीन अ बिग सिटी इन अमेरिका एंड वी डोंट नो. बट सॉरी गाइस, सिर्फ डेलस ही रह गया है. अब डेलस के बाद भी तुम लोगों को ना डेलस, रिचर्डसन,
डालस और ह्यूस्टन वो चले जाएंगे इंशाल्लाह, गर्मी में नहीं जा सकते ना वो, आप लोग हमारी तरह पक रहे हैं। वो क्या जगह है जहाँ पे, वहाँ पे देसी देसी है वो, वही डालस नहीं नहीं शुगरलैंड, शुगरलैंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूनिफॉर्म शॉप टू बाय किड्स यूनिफॉर्म और मुकाओ एनू भी कम दी करे की करिए, हमारा तो हर जगह पैसा ही लगता है बाबा आपका, वही हो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम है, मतलब यूनिफॉर्म में वही वो है जो ओल्ड नेवी पे $5 की टी शर्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्कूल का मोनोग्राम लगा के वो कितने की शर्ट देते हैं, $30 कितने की मतलब 20-22 की देते हैं। अब तो अभी पता चलेगा जाके वो कितनी खाल उतारते हैं, लास्ट ईयर तो उन्होंने अच्छी खासी खाल उतारी थी, अब तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है तो। चलो जी यूनिफॉर्म शॉप पे आ गए ना, इज दिस ओल्ड नेवी, नो दिस इज नॉट ओल्ड नेवी बट दिस इज अ स्कूल यूनिफॉर्म शॉप, लेट्स गो एंड बाय मार्स यूनिफॉर्म, यहां सारे डॉक्टर्स और दे हैव टू बाय किड्स, किड्स वो आर यू किड्स आउट, मेरे बच्चों को पर्पल रंग जहाँ नजर आए वहाँ पड़ी होती है, ये हमारे बच्चों के लिए ये है, शॉप में आए हैं अब ये चेक करें ये साइज है शर्टों की, नहीं ये शर्ट पहनेगा कौन, ये कुत्तों की शर्ट है, बिलियों की है, चूहों की शर्ट है यार, ये तो न्यू बॉर्न की भी शर्ट नहीं है, हमारे न्यू बॉर्न भी इससे थोड़े से बड़े होते हैं। I was a newborn. They are so good. Maybe for little babies. No, yaar. How can it be for babies? They are so small. Yeah. See, look at this size. Maybe for little bears, like bear plushies. This is uniform shop. ये है पैसा पीने वाली मशीन, जो नॉर्मल बाहर चीज आपको मिलेगी $10 की, यहाँ पे मिलेगी डायरेक्ट $50-$60, तो इसीलिए परेशानी लेनी नहीं परेशानी देनी नहीं, सही आपका पैसा, इसीलिए एक तरफ आप बच्चों के साल के कपड़े ले लें या इस तरफ एक साल की यूनिफॉर्म ले लें। चलो जी इसके बाद हमने जाना है वॉलमार्ट, बैक टू स्कूल सप्लाईज, जिससे मुझे सख्त नफरत चढ़ती है, 24 पेंसिल ले लो, क्रियॉन्स ले लो, तो ये ले लो तो वो ले लो, समझ नहीं आती, मैं कहती हूँ ऐसी शॉप होनी चाहिए जो सेट करके सारी चीजें दे दे, ये आपको खुद ढूंढना ना पड़े, चार प्राइमरी स्टाइल की कॉपियां, मतलब बंदा इन्हें की करे कंपोजिशन तो पता नहीं कड़ी कड़ी, हम पेंडू की पता ले लेके अब तो दिमाग ही खराब हो गया, बचपन की महरूमियां भी होती हैं। बिलाल किसी दिन ना तुम्हें मेरे फॉलोअर्स ने 4-5 ने पकड़ लिया ना तो पकड़ के ऐसा मारेंगी तुम्हारे खिलाफ तैयार करूंगी देखना। शुक्र इस बात का है कि मानिता इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनका मुझे नहीं लेना पड़ता, लेना पड़ता स्टेशनरी पर एग्जैक्टली इस तरह की नहीं लेनी पड़ती जो टीचर्स को चाहिए होती है ना। मुझे याद आया कैचअप में यही से काम है बच्चों की स्टेशनरी लेना, मतलब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी चीजें नहीं है वॉलमार्ट में, ना फोल्डर्स मिल रहे हैं और ना ही प्राइमरी कंपोजिशन की नोटबुक, पता नहीं इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अभी मुझे टारगेट चक्कर लगाना पड़ेगा, वैसे आई एम अ बैग, तुम टारगेट से भी देख लो okay. कितनी क्यूट है ये, वो उसके हेडफोन्स मतलब 2 घंटे मैं खुद एग्जॉस्ट हो गई हूँ लिटरली, तो मुझे तो मैं चलाता हूँ तुम अपना करो, अपना करूँ मैं, चले इसके हेडफोन्स देख लें उस तरफ जाके जहाँ पड़े होते हैं हेडफोन्स, मेरा ख्याल आप टारगेट से ले लेंगे या हाँ टारगेट पे भी पड़े हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आइसक्रीम फिर टारगेट से ले लें या यहाँ से लें, क्योंकि
अभी नहीं जा रहे, हाँ कल परसों चले जाएंगे। मुझे सिर्फ ये इसकी चीजें पूरी हो जाएं। मतलब मैं समझती थी कि हम में ये कीड़ा पाया जाता है कि हम जैसे ही बच्चों की चीजें ना जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं। भाई गोरे हमसे ज्यादा यहाँ के लोग तेज हैं, सब कुछ उठा गए, कुछ भी नहीं है। लिटरली मैं बच्चों की यूनिफॉर्म पैंट्स ओल्ड नेवी में गई, पैंट्स गायब, यूनिफॉर्म सेक्शन ही उड़ गया, स्कर्ट्स गायब और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अकलमंदी इसी में है कि समर ब्रेक से जाने से पहले ये सारी चीज़ें करें। समर ब्रेक का वेट करेंगे तो हमारी तरह हम पता नहीं क्यों लेजी हैं थोड़ी सी, मेरे अंदर है, मैं कहती हूँ जब चलो आखिर में कर लेंगे तो वो करेंगे, लेकिन नहीं भाई आखिर में कुछ भी नहीं मिलता। ये टैंक टॉप्स अच्छी पड़ी हुई हैं पर मुझे किस लिए चाहिए, बट अच्छी पड़ी हुई हैं बट मुझे किस लिए चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी हैं। बट भाई पहले पहले कर लिया करें, कुछ नहीं मिलता आखिर में, आइसक्रीम्स लें और चलें। मैंने बाकी सारी ग्रॉसरी कर ली थी, आइसक्रीम रखी थी एंड के लिए, क्योंकि अगर मैं आइसक्रीम पहले ले लूँ गर्मी इतनी ज़्यादा है उसमें पिघल जानी है और फिर मेरी औलाद ने कहना ये तो आप आइसक्रीम ही गलत है। चलो फिर मेरी तरफ से टाटा बाबा है, बंद करो इनू, थक गई हैं यार। आज मेरा मूड पता नहीं क्यों ग्रॉसरी करते हुए टोटली ऑफ हो गया, आई डोंट नो, थक गई हूँ शायद मैं। लेकर एक और दूसरा पॉइंट ये है, मैं वैसे वीक डेज पे आती हूँ तो मुझे वॉलमार्ट में ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है, और मैं वीकेंड पे आई हूँ लिटरली इट्स एम्प्टी, कुछ नहीं है लेने को। तो इसलिए कोशिश करें कि वीक डेज पे आया करें ताकि आपका भी कोई फ़ायदा हो सके और हमारा भी। आइसक्रीम में मुझे ना लोगों को पता नहीं, वैसे मैं कॉफ़ी वगैरह इतनी पीती नहीं हूँ बट आइसक्रीम आई लाइक कॉफ़ी फ्लेवर, आई लाइक इट। वनला बिलाल एमा का कहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा। अच्छा वाला कौन सा अच्छा वाला होता है, अच्छा के बुरा। ये इटालियन कप्स ले लें, मैंगो यू लाइक इट मम्मी, बाय थैंक्स फॉर यू हाँ, बिकॉज मम्मी लव्स यू और यू वॉन्ट दीज। और दो कप्स यू वॉन्ट, चलो ये भी ले लें, कुछ छोड़े मत, सब कुछ ले लें। मेरे बच्चों के थोड़े पॉप्सिकल्स, क्या है इसमें तो नहीं लो, ये निकली हुई है, टिप हुई है, बाहर निकली। तो यस, तो अभी शाम का टाइम है और उठते ही अभी आयमा के नगेट्स रखे हैं एयर फ्रायर में, और आप भी चेंज कर लेती, और माँ से मेरी लड़ाई हो गई। माँ साहब मेरे वॉशरूम में इलेक्ट्रिक शेवर जो है ना उसे अपनी कल में बना रहे थे, तो क्या कर रहे थे जो भी कर रहे थे वो शहजादे जो है ना वो इलेक्ट्रिक शेवर मेरे वॉशरूम में अभी इस्तेमाल, मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा माँ डोंट यूज इट इन माई वॉशरूम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप अपने वॉशरूम में ले जाओ और वहां गंदगी करें और साफ करके खत्म करें। अगले ने इलेक्ट्रिक शेवर उठाया और पाउडर रूम में जाके शुरू हो गए, मतलब उसकी सिंक खराब करी। वो मैं इतनी जोर से शॉक में आई, मैंने कहा तुम्हें मैंने अपने वॉशरूम में नहीं इस्तेमाल करने दिया, इट मींस यू शुड गो टू योर वॉशरूम। आप पाउडर रूम में शुरू, पहले ही घर में आते ही पहले ही वॉशरूम में जाके आप इस्तेमाल करें, कोई गेस्ट आ जाए तो, और मुझे भी पता ना हो सिंक में बाल पड़े हो खराब करके चले गए, और फिर कहते हैं कि माँ को गुस्सा क्यों आता है। अब फिर मुझे ये समझ नहीं आती बच्चों की कि हमेशा आप गुस्से में क्यों होती हैं, आपका हमेशा मूड क्यों ऑफ होता है। इस पे मुझे खुश होना चाहिए कि कोई गलती से मेहमान आया और उसने वॉशरूम जाना और मैं उसको ले जाऊं और पहले ही सिंक में बाल देंगे, क्योंकि मेरे तो दिमाग में भी ना हो कि मेरे बेटे ने ये वॉशरूम इस्तेमाल किया है। तो कहते हैं ना गुस्सा क्यों आता है, ये शाम का टाइम हमारा ऐसे ही होता है एक दूसरे से लड़ने का। चाय पीते हैं और चाय के बाद मैं और बिलाल जाते हैं वॉक पे, और माई टी विद शुगर। देखिए हम लोग
सारा दिन करते क्या क्या है। बिलाल की चाय विदाउट शुगर। एवेपरेटेड मिल्क यूज करते हैं 40, कोई हाफ एंड हाफ यूज करते हैं, कोई प्रॉपर दूध यूज करते हैं, हमें उनसे फ्लेवर्स नहीं आते तो हम ये यूज कर लेते हैं। तो बस हमारी शाम की चाय तैयार है, ये बिलाल की चाय है, ये मेरी चाय है। मेरी चाय के साथ मैं सोच रही हूँ न्यूट्रेला में डाल के जो चिरोज जो है वो खाऊं और चाय पीऊं और शाम का मंजर देखूं। दिस इज़ माई फेवरेट व्यू। ये मेरा असाइंड सोफ़ा है, मैं इसी जगह बैठती हूँ, क्यों बैठती हूँ मुझे पता नहीं है, बट मैं बैठती इस जगह की हूँ, यहाँ से व्यूज देखती हूँ और अपनी चाय इन्जॉय करती हूँ। वेट वॉक के लिए निकल रहे हैं, बट इट्स ब्यूटिफुल। द गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट सारा दिन बहुत गर्मी होती है, बट शाम को ना ऐसी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हम सी के करीब हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल। आवाज़ मेरी कट रही हो लेकिन जो मुझे सुकून मिल रहा है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। और मेरी ये वॉक जो है ना शाम को मुझे फ्रेश कर देती है। वैसे बहुत ही आज बेकार दिन गुजरा है काम कर करके। फिलहाल मेरा काम करना किसी को पसंद नहीं है ना, आसानी हो, आराम हो, कुछ ना करना पड़े। हाँ। सबको पसंद है, आपके व्यूअर्स को भी पसंद होगा।